जिस तरह का नाम उसी तरह का काम। अनवर का अजब किस्सा, जी हाँ सच में अजब ही किस्सा था। आप देखोगे तो चौंक जाओगे। 100 में से 75 लोगों को ये मूवी समझ नहीं आएगी, इसका मतलब उनको पसंद भी नहीं आएगी। शुरुआत में मुझे भी नहीं आई थी, जब एंड तक मूवी को देखा और फिर उसे समझने की कोशिश की तो उससे मैं जो कुछ भी समझा उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दोस्ताना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अनवर का अजब किस्सा इस मूवी का रिव्यू करेंगे। इस मूवी को आप योजना पर देख सकते हो। लगभग 2 घंटे 6 मिनट की मूवी है। अनवर यानी कि नवाज भाई, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, छोटी सी लेकर बड़ी बात की खाल निकाल कर रखने में माहिर डिटेक्टिव। बाकी मूवी में जैसे दिखाई देते हैं उनसे अलग, मतलब एकदम ही अलग देखने को आपको मिलेंगे। ना गोलियों का शोर, ना ही खून खराबा। जिस केस की भी छानबीन चलती है उस केस के सॉल्व होने के बाद ज्यादातर सोशल मैसेज ही दिखाई देंगे। जिस केस को भी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कुछ भी रीजन देकर बंद किया जाता है उसका असल में रीजन कुछ और ही निकल कर सामने आता है। अनवर रहता तो है अकेला, सॉरी लालू नाम का एक कुत्ता भी उनके साथ रहता है। अनवर के ख्याल कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ इंसान की जिंदगी में कब और कैसे रंग डाल देती है पता भी नहीं चलता है। इंसान की जिंदगी में बहुत से दुख दर्द है, उन्हीं को अपना सहारा बनाकर जिंदगी जी जाती है, कभी कभार मजबूरी में तो कभी कभार लाचारी में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस सब चक्कर से निकल कर चले जाते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। किसी का सहारा बनकर यूं बीच रास्ते पर छोड़ जाना गलत है। मूवी उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी जो अकेले में रहना पसंद करते हो, समाज के अंधविश्वास को कुछ मायने नहीं देता हो। वैसे ये मूवी 2014 में ही रिलीज हुई थी, लेकिन OTT पर आज ही रिलीज हुई है। मैं भी कितना बुड़बक हूँ, जो शुरुआत में बोलना था वो एंड में बताता हूँ। मूवी में कुछ पल के लिए पंकज त्रिपाठी भी दिखाई देंगे, जो कि मदमस्त होकर जिंदगी के मजे ले रहे हैं और कुछ समझा कर भी जाते हैं। जैसे कि इंसान को करना कुछ और ही होता है, लेकिन करता कुछ और ही है। अपने ख्वाबों के सहारे जीने वाले हर एक इंसान की रियल कहानी लगेगी, जो अपने अतीत को भुला न सके उनके लिए। मूवी को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मूवी की स्टोरी एक जगह से निकलकर न जाने कितनी जगह पर जाकर लौटेंगी पता ही नहीं, और आप कहोगे ये कैसे हो गया, अभी तो ये था। मैं आपको फिर से बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आएगी, तो आप अपने हिसाब से मूवी देखनी है या फिर नहीं ये तय कर लो। अगर आप में से किसी ने इस मूवी को पहले ही देखा हो तो कमेंट में मूवी के बारे में कुछ बता देना, ताकि नए आने वाले को पता चले मूवी कैसी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।